पार्ट टू जो समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे, बट पहले इसके प्रश्न उत्तर पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। संकलित मूल्यांकन पेज नंबर 10, सही विकल्प पर निशाना लगाए। ठीक, हमारे देश में त्योहार मनाए जाते हैं, आपको दो विकल्प दिए गए हैं, अनेक एक, तो आपको अनेक विकल्प पे सही टिक लगाना है। नंबर टू, ख, नवरात्रों में पूजा की जाती है, रामचंद्र जी की, माँ दुर्गा जी की, आपको दो विकल्प दिए गए हैं। नवरात्रे में पूजा की जाती है, किसकी पूजा की जाती है, रामचंद्र जी की या माँ दुर्गा जी की। पाठ में हम क्या पढ़े हैं कि माँ दुर्गा जी की नवरात्रि में पूजा की जाती है, तो हमारा विकल्प क्या है, माँ दुर्गा जी की। तो सेकेंड विकल्प में टिक लगाइए, सही टिक लगाइए। ग, प्रेम है, आपके विकल्प में दिया गया है गुण अवगुण, दो विकल्प है अपने, उसमें हमको एक विकल्प में सही टिक लगाना है जो हमें सही लगता है। तो प्रेम है अवगुण है कि गुण है, यह एक अच्छा गुण है, तो आप टिक लगाएंगे गुण में। नंबर फोर, घ, हमें अपनी संस्कृति पर दुख है, गर्व है, अपने अपने संस्कृति पर हमें क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, पर यहाँ दो विकल्प दिए गए हैं, पहला विकल्प है दुख है, दूसरा विकल्प है गर्व है, तो हमें अपने संस्कृति पे गर्व है, तो हमें टिक कहाँ लगानी है, गर्व है पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, सही कथन पर सही का निशान और गलत कथन पर गलत निशान लगा के एक्सरसाइज हमें पूरी करनी है। पहला कथन है, होली के बाद कन्या पूजन किया जाता है, ये विकल्प सही है कि गलत है, कथन सही है कि गई है। हमने पाठ में पढ़ा है कि दशहरे के पहले, देखो पाठ में लिखा गया है, दशहरे से 10 दिन पूर्व नवरात्रि मनाई जाती है, तो होली के बाद कन्या पूजन मनाया जाता है, विकल्प हमारा गलत है, ठीक। राक्षस दुर्बल लोगों को सताते हैं, सही है कि गलत है, सही है। देवता केवल श्राप देते हैं, सही है कि गलत है, गलत है। देवता कभी श्राप नहीं देते हैं, देवता हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं, तो ये विकल्प हमारा गलत है। सहगुणी वो मैत्री, सहयोग व मैत्री गुण है, सहयोग व मैत्री गुण है कि अवगुण है, सहयोग और मैत्री एक अच्छी चीज है, मतलब अच्छी चीज गुणों में परिवर्तित होती है, मतलब ये हमारा कथन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हमारे देश में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, सही इसका उत्तर है दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन, बैसाखी, ईद, क्रिसमस आदि त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, प्रश्न दो, नवरात्र दशहरे से कितने दिन पहले शुरू होते हैं, इसका सही उत्तर है नवरात्र दशहरे से 10 दिन पहले शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर तीन, माँ दुर्गा किस बात का प्रतीक है, इसका सही जवाब है माँ दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, प्रश्न चार, कौन लोग राक्षस कहलाते हैं, जो लोग दुर्बल लोगों को सताते हैं, अन्याय करते हैं, उन्हें राक्षस कहलाते हैं। ये हुए हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर, जो आपको लिखित हिंदी की कॉपी में पूर्ण करना है।